राजनीति में जुबान से निकले बोल कई बार कैसे खेल खराब कर देते हैं, इसकी मिसाल है लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने राष्ट्रपति को लेकर ऐसा बयान दिया। संसद के अंदर और बाहर उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की भारी फजीहत करा दी। बीजेपी अधीर के बयान को लेकर चढ़ बैठी। बात यहां तक पहुंच गई कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक तक हो गई। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है। देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। देश की औरतों से माफी मांगो। फांसी की तख्ते पे चढ़ जाऊं तो कहिए, सूली पे चढ़ जाऊं तो कहिए। यू डोंट टॉक टू मी, ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। कोई चोट पहुंची राष्ट्रपति जी को, मैं खुद मिलके उनसे माफी मांगूंगा, एक बार नहीं 100 बार, लेकिन ये पाखंडियों से नहीं। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस। ये तेवर, ये तलखी, ये आक्रामकता, ये हंगामा, ये वार पलटवार, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की जुबान से निकला बोल कमान से निकले तीर की तरह चला और संसद के अंदर और बाहर कोहराम मच गया। कांग्रेस के नेता सदन में देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान बचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी, ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं हमारे साथ, भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है। तो बयान अधीर रंजन ने दिया और निशाने पर आ गई सोनिया गांधी। अधीर रंजन चौधरी के बयान के खिलाफ तो बीजेपी सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया, प्लैकार्ड लहराए गए। अधीर रंजन चौधरी के बयान के खिलाफ जो सांसद है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नारे सुनिए, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपति जी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आदिवासी बेटी का अपमान, नहीं राष्ट्रपति जी का अपमान है, वो खुद का अपमान है। ये सारा बखेड़ा हुआ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए कल के इंटरव्यू पर। अधीर रंजन ने कल संसद परिसर में एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह दिया, जिस पर उन्हें एबीपी न्यूज संवाददाता ने टोका भी। जिस तरीके से इन सांसदों को जो है हिरासत में लिया गया था, एहतियातन हिरासत में लिया गया था, आज संभवतः उसी को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया गया है। और अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर है। अधीर दा, आज रणनीति में बदलाव, आज यहाँ पर धरना देंगे? आज यहाँ धरना आप लोग दे रहे हैं? धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था? नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं, हमारा बात रखने के लिए। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा अधीर दा, लेकिन आज राहुल गांधी यहाँ पर नहीं दिख रहे। इसी बयान को लेकर आज अधीर रंजन चौधरी की भारी फजीहत हो गई। बीजेपी ने इस बयान का सिरा पकड़कर हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने आज सफाई भी दी कि उनसे चूक हो गई। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं बंगाली हूँ, मैं हिंदी में आदि नहीं हूँ, हो सकता कोई जुबानी चूक हो गए, मैं सुबह से कह रहा हूँ कि भाई चूक हो गए, चूक हो गए, चूक हो गए, तो इसका मतलब और क्या हो सकता। अगर राष्ट्रपति को सम्मान ना करो तो किसको करूं? तो इसलिए अगर मेरी बात पे कोई चोट पहुंची राष्ट्रपति जी को, मैं खुद मिलके उनसे माफी मांगूंगा, एक बार नहीं 100 बार।
लेकिन जब तक अधीर रंजन अपनी गलती मानते तब तक वो अपनी पार्टी पर सेल्फ गोल कर चुके थे। बीजेपी ने मौका लपक कर चौतरफा हमला बोला और कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए। इसीलिए जाने अनजाने में इस तरह के वक्तव्य जो है पार्टी के नेता और उनके सभी लोग दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया है और देश के जनता से बिना शर्त कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी। पद का अपमान करने का उन्होंने पूरी तरह से ये प्रयास किया और इसलिए उन्हें तो माफी मांगना ही है, लेकिन उनके पार्टी के की जो नेत्री है श्रीमती सोनिया गांधी को भी इस पर माफी मांगनी चाहिए कि ये देश का अपमान है, राष्ट्र का। सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, स्वयं एक महिला है, वो इस प्रकार के अपने नेता के बयान के लिए माफी मांगी। इस तनातनी का असर ये हुआ कि संसद परिसर के भीतर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हो गई। सूत्रों के मुताबिक सोनिया जब बीजेपी सांसद रमा देवी से बात कर रही थी कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, तभी स्मृति ईरानी बीच में बोल पड़ी। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, यानी मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। वो आकर पूछे हमसे कि हमारा नाम लोग क्यों ऐसा बोल रहा है, आप अपना नेता चुने उसे पूछिए। उसके बाद स्मृति जी बोली कि हाँ पहले तो पूछिए उसे कि क्यों ऐसा बोल रहा है, तो उसी पर वो बोली कि आप बोल नहीं सकती, आपसे बात नहीं। ये किसने कहा? सोनिया गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गए और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा घिनौना एक व्यवहार किया गया। दिलचस्प बात देखिए कि कल तक विपक्ष सरकार पर हमलावर था, लेकिन अधीर रंजन के बयान ने सत्ता पक्ष के हाथ में ऐसा हथियार थमा दिया कि कांग्रेस खुद डिफेंसिव दिख रही है। ABP News आपको रखे आगे।